बावत्रा के जन्म सिंह ने 12वीं कला वर्ग में 95.20% अंक अर्जित कर किया गांव का नाम रोशन। उचित मार्गदर्शन में मेहनत की जाए तो कहीं भी सफलता प्राप्त की जा सकती है, भले ही कोई मंच हो। कुछ ऐसा ही परिणाम सामने आया है 12वीं कला वर्ग का, जिसके 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने छोटे छोटे व दूरस्थ इलाकों में भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। यह तभी संभव होता है जब अच्छे मार्गदर्शन के साथ मेहनत की जाए। यहाँ हम बता रहे हैं एक विद्यार्थी के परिणाम की स्थिति जो अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरित करेगी। ये विद्यार्थी प्रशासनिक सेवा में जाने के इच्छुक हैं, इसी हिसाब से मन लगाकर अध्ययन कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बावतरा के मरुधर शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत जालम सिंह पुत्र डूंगर सिंह की, जिसने 12वीं कला वर्ग में 95.20 अंक हासिल कर गांव व अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। जालम सिंह के पिता किसान हैं व दूध डेयरी चलाते हैं। जालम सिंह भी पिता के कृषि कार्य में हाथ बटाने के साथ पढ़ाई कर सफलता प्राप्त की हैं। वही आपको बता दें कि बावतरा के मरुधर शिक्षण संस्थान में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम व विदाई समारोह में विद्यार्थी जालम सिंह ने ओजस्वी उद्बोधन दिया था। तब अतिथि के नाते मौजूद जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग, साइला एसडीएम सूरजभान विश्नोई ने छात्र को शाबाशी देते हुए पूछा था कि 12वीं में कितने प्रतिशत अंक हासिल करोगे। तब छात्र जालम सिंह ने सभी के सामने 90% से ऊपर अंक हासिल करने का वादा किया था। वह अब आए परिणाम में 95.20% अंक हासिल कर वादे को पूरा किया, जिस पर साइला एसडीएम सूरजभान विश्नोई ने विद्यार्थी के पिता को दूरभाष पर बधाई दी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कला संकाय का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें मैंने 95.20% मार्क्स हासिल किए हैं। मैंने मरुधर विद्यालय में अध्ययन करते हुए ये परिणाम हासिल किए और मैं इसका संपूर्ण श्रेय मेरे परिवारजनों और मेरे गुरुजनों को देना चाहूँगा। मेरे गुरुजनों ने हर समय मुझे प्रोत्साहन दिया और हर समय वो हमारा मार्गदर्शन भी किया करते थे। इसके साथ साथ मैं संपूर्ण श्रेय मेरे परिवारजनों को देना चाहूँगा, जिन्होंने पारिवारिक मामलों से दूर रखते हुए मुझे सदैव अध्ययन के प्रति ही सच्ची लगन रखने की सलाह दी थी। मैं विद्यालय की पढ़ाई के अलावा घर पे 2 घंटे नियमित अध्ययन किया करता था, साथ ही साथ घर का कार्य भी किया करता था। अब मेरा आगे का सपना राजस्थान लोक संघ सेवा आयोग से जुड़ना है, अर्थात मैं आरएस बनकर जनता की सेवा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं श्रेय देना चाहूँगा सूरज भानजी बिश्नोई साहब, हमारे शैला क्षेत्र के उपखंड अधिकारी को, जिन्होंने हमारे विदाई समारोह में शिरकत कर मुझे ये कहा था कि आपको अब की बार 90% से ज़्यादा अंक हासिल करना है। मैंने उसी दिन ये ठान लिया था कि मैं अब की बार 90% अंक हासिल कर पाऊँगा और कल तक मुझे लगता था कि मैं 92 या 93% हासिल कर पाऊँगा, लेकिन आज जब रिजल्ट आया तब मैंने देखा कि मैंने 95.20% मार्क्स हासिल किए।